किंग ऑफ कोठा। दोस्तों ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है जो कि लगभग 3 घंटे की होने वाली है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म नेट में। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस मूवी की कहानी की, तो मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है एक बहुत बड़े गैंगस्टर के ऊपर। दरअसल होता यह है कि एक कोठा नाम का शहर होता है, वहां पर एक बहुत बड़े गैंगस्टर का राज होता है जिसका चारों तरफ दबदबा चलता है और सभी लोग उससे डरे सहमे रहते हैं। यानी कि वो लोग चाहते हैं कि यहां पे कोई अलग इंसान आए जो कि इस शहर के अंदर उसका दबदबा कम कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ जो उस शहर की पुलिस होती है वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है उस आदमी से जिसका पूरे शहर के अंदर कंट्रोल होता है। अब दोस्तों पुलिस भी ना चाहकर कुछ नहीं कर सकती और सारे लोग भी उससे डरते रहते हैं। अब वहाँ की जो पुलिस होती है वो कुछ ऐसा षड्यंत्र रचती है जिससे आने वाला जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और दोस्तों उसी बीच में एक बहुत बड़े खतरनाक इंसान की एंट्री होती है उस कोठा नाम के शहर के अंदर। अब वो इंसान कौन होता है और उसके पीछे की क्या मिस्ट्री होती है और आखिर वो पुलिस ऐसा क्या षड्यंत्र रचती है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो ये जो फिल्म होने वाली है ना, ये बहुत सारी फिल्मों का ये कह सकते हैं कि मिक्सअप है। यानी कि आपको थोड़ी बहुत गैंगस्टर टाइप की चीज़ें देखने को मिलेगी, एक बदला देखने को मिलेगा, एक फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, एक प्यार देखने को मिलेगा, धोखा देखने को मिलेगा और एक लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। तो यानी कि ये सभी चीज़ों का मिक्सअप करके ये एक गैंगस्टर मूवी को तैयार किया गया है। और अगर मैं इसे बहुत सारी फिल्मों से कंपेयर करूं तो कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हो इस तरह की कहानी। इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा नया देखने को तो नहीं मिलेगा, बस देखने को मिलेगा तो वो है कोठा नाम का शहर और उसके अंदर जो आपको एक्शन दिखाई देंगे भर भर के, वो आपको देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। और मूवी की सबसे बड़ी जान है इस मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी है वो लगी है दिलक्यूर सलमान की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उनका जो करेक्टर डेवलपमेंट है वो आपको ज्यादा पसंद आएगा। मतलब हर एक सीन के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप उनकी एक्टिंग से पूरी मूवी के एंड तक कनेक्ट रहने वाले हो। मूवी के अंदर जितने भी आपको एक्शन देखने को मिलेंगे वो एकदम फाड़ लेवल के देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप उन एक्शन को देख के हो सकता है आप पूरी मूवी के एंड तक बने रहो। और जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है इस मूवी की, जो जान होने वाली है वो है इस मूवी का बीजीएम, जो कि बहुत ही ज्यादा फाड़ू निकल के आता है। आपको जो बीच बीच में बीजीएम सुनने को मिलेगा वो भाई एकदम परफेक्ट लेवल का है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो भाई ये मूवी मास ऑडियंस के लिए है, मास ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और बच्चों को इस मूवी से दूर रखना, क्योंकि इस मूवी के अंदर लोगों को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारा गया है, काटा गया है, तो हो सकता है वो चीज़ें आपको भी कुछ हद तक पसंद ना आए और उसे देखकर आप डर जाओ। तो दोस्तों आप बच्चों को दूर ही रखना इस मूवी से। वेल ये मूवी आपको ठीक ठाक पसंद आने वाली है, मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी, बट हाँ ये कहूंगा उस लेवल तक मजा नहीं आया, बट जो एक्शन है और इसका जो सिनेमेटोग्राफी है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 6.5 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।